बड़ी खबर का जोधपुर से, जहां सहकारिता मंत्री अजय सिंह केलक पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर भ्रष्टाचार से जुड़ी। दरअसल आरटीआई कार्यकर्ता नंदलाल व्यास ने ये आरोप लगाए हैं और सहकारिता मंत्री के खिलाफ पीएम मोदी को एक पत्र लिखा गया है इनके माध्यम से और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं केलक पर। उपभोक्ता होलसेल सहकारी भंडार में भ्रष्टाचार का आरोप है और उपभोक्ता होलसेल सहकारी भंडार में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उपभोक्ता होलसेल सहकारी भंडार के जीएम की पहले ही इस संबंध में गिरफ्तारी हो चुकी है और एसीबी ने 17 अप्रैल को सहकारी भंडार के महाप्रबंधक को भी गिरफ्तार किया था। 5.5 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और मधुसूदन शर्मा से पूछताछ में इस बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ था, एसीबी ने पूछताछ की थी। दरअसल जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, सहकारिता मंत्री अजय सिंह केलक पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप। आरटीआई कार्यकर्ता नंदलाल व्यास ने यह आरोप लगाए हैं। दरअसल सहकारिता मंत्री के खिलाफ पीएम मोदी को भी पत्र लिखा गया। ललित परिहार हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। ललित, केलक पर गंभीर आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के, क्या कुछ जानकारी और अपने पास? जी, वरिष्ठ आरटीआई कार्यकर्ता नंदलाल व्यास ने ये आरोप लगाए हैं। नंदलाल व्यास ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सहकारिता मंत्री अजय सिंह केलक को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की है। उनका आरोप है कि जो सहकारी बाजार में जो भंडार जो भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है पिछले दिनों में, जो सहकारी भंडार के जीएम को 5.5 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में पकड़ा गया और उसके बाद में एसीबी ने जो दवाओं के काउंटर है उनसे छापेमारी की और फार्मासिस्टों से वसूली और जो बंदी का खुलासा हुआ उसके उसकी पूछताछ जो करती जा रही थी गिरफ्तार जीएम से, तो उन्होंने इसको स्वीकार किया कि वो आगे जयपुर में सहकारिता मंत्री को अपना हिस्सा देते थे, बड़ा हिस्सा वो दिया करते थे, लेकिन एसीबी ने इस बात को कबूल नहीं किया। लेकिन आरटीआई कार्यकर्ता नंदलाल व्यास का ये आरोप है और इन आरोपों के चलते वो चाहते हैं कि जब तक ये मंत्री रहेंगे इस विभाग में तब तक पूरी तरह से भ्रष्टाचार का खुलासा नहीं होगा। प्रधानमंत्री को जो चिट्ठी भेजी गई है उसमें नंदलाल व्यास ने मांग की है कि सीबीआई या ऐसी ही किसी टास्क फोर्स का गठन करके इस सहकारिता विभाग के पूरे भ्रष्टाचार की जांच की जाए। सहकारिता विभाग जो है आम लोगों से जुड़ा हुआ है, आम लोगों की को सस्ती वस्तुएं दवाइयां वगैरह यहां से मिलती है, किराना मिलता है, ऐसे में इसका भ्रष्टाचार उजागर किया जाना और इस मामले में पूरी तरह से सफाई होना जरूरी है। चलिए ललित, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ और इस तमाम जानकारी के लिए। तो उपभोक्ता होलसेल सहकारी भंडार के जीएम जो कि पहले गिरफ्तार कर लिया गया, पूछताछ में नाम दिया गया, इशारा दिया गया और अब आगे देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई होगी।